ट्रेड बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भदोही जिले में बृहस्पतिवार को रिलायंस ट्रेंड द्वारा YM कॉन्वेंट स्कूल बलापुर के तत्वाधान में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 200 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर YM कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल राजपति विंद ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यालय में समय समय पर होने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती, जिससे समाज को एक सशक्त नेतृत्व प्राप्त होता है। इस दौरान ट्रेंड्स के मैनेजर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चे खुश होते हैं। इस प्रतियोगिता में कान्हा जायसवाल प्रथम, आदर्श मौर्य द्वितीय और श्रद्धा यादव तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। स्ट्रीट बर्ड्स के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम YM कॉन्वेंट स्कूल में कैंट की तरफ से कराया गया है, जो कि बहुत अच्छा था। जो है बच्चे का इंटरेस्ट इतना अच्छा था कि वो सुबह से इंटरेस्टेड थे जो है, और इस पार्टिसिपेट इस कंपटीशन में जो है 3 ऐसे मेधावी छात्रों जो है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक का है, तो फर्स्ट रैंक में क्लास फर्स्ट के कान्हा जायसवाल को मिला जो है, सेकेंड रैंक में आदर्श मौर्य को मिला और थर्ड रैंक में श्रद्धा यादव को मिला। वैसे 3 जो है को था, लेकिन जितने हमारे यहाँ 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो है, और ये जिसने 10 की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही था, वेलकम करते हैं, थैंक यू। नमस्ते, मैं गौतम जायसवाल, मैं रिलायंस ट्रेंड्स का डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, जो कि गोपीगंज में स्थित है। मैं गोपीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर YM कॉन्वेंट स्कूल में मैंने एक एक्टिविटी रखा था, जो कि एक्टिविटी का नाम था ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें 200 प्लस बच्चे पार्टिसिपेट किए। 200 प्लस बच्चे में से पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 1, 2, 3 के क्लास के बच्चे थे, जो कि 3 अवार्ड्स दिए गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो विभिन्न प्रकार के, जैसा कि सर ने बताया था। और ये YM कॉन्वेंट स्कूल में करवाया गया है। इससे क्या हुआ है कि बच्चे का थोड़ा सा उत्साहवर्धन हुआ है और आगे के भविष्य के बारे में भी थोड़ा उनको बताया गया प्रिंसिपल सर के द्वारा। उसके बाद इसमें बच्चे काफ़ी कला प्रतियोगिता में काफ़ी चीज़ें बनाएं, जैसे कि वो फ्लैग बनाएं, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का बनाएं, इन्वायरमेंटल के प्रदर्शित करते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छी कला प्रदर्शित किया। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।